भारत का स्पेस मिशन के लिए रॉकेट श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है इसरो के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। स्पेस में चांद पर उतरने का उपकरण रॉकेट से अलग हो जाता है और चांद पर पहुंचने वाला यह मॉड्यूल को चांद पर पहुंचा जाता है, जिसमें एक महीने का समय भी लग सकता है। और चांद पर पहुंचने वाला मॉड्यूल चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पता करता है कहां पर उसे उतरना है, सही जगह लैंडिंग का ढूंढता है। और लैंडिंग का सही स्थान मिलने पर वहां पर एक चांद पर उतरने का अलग मॉड्यूल होता है, जिसे रोवर कहते हैं, उसे छोड़ा जाता है। और यह मॉड्यूल ऑर्बिटर है, जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और सरफेस को रीड करता है, डेटा धरती पर इसरो को भेजता है। 3900 किलोग्राम का यह स्पेस क्राफ्ट है चंद्रयान 3, जिससे लैंडर अलग होगा और चांद के सतह पर उतरेगा। और यही वह लैंडर मॉड्यूल है जो चांद के साउथ पोलर रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। चांद का यह साउथ पोलर रीजन एक ऐसा जगह है जहां पर शैडो क्रेटर्स है। चंद्रयान 3 का यह डिवाइस ऐसे जगह पर पहुंचा है जहां पर बर्फ के रूप में पानी और क्रिस्टल के रूप में मिनरल्स आए, और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस से लैस है। कुछ डिवाइस चंद्रमा के सरफेस को पढ़ेंगे तो कुछ डिवाइस एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, और कुछ डिवाइसेस ये बताएंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है और डिवाइसेस कितनी दूरी पर हैं। और इन डिवाइसों में एक्सरे और लेजर से मेजरमेंट करने की टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। एक लैंडर है, एक रोवर है, तो लैंडर उतर चुका है और रोवर नीचे उतर रहा है लैंडर से। रोवर और लैंडर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। चंद्रयान मिशन में एक ऑर्बिटर है, दूसरा लैंडर जिसका नाम विक्रम है, चक्की वाला रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, और यह है एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा और धरती से आने वाले प्रकाश को चेक करेगा। ऑर्बिटर लैंडर रोवर के डेटा को धरती पर इसरो को भेजेगा। इसरो का बड़ा सा डिश एंटीना डेटा रिसीव करेगा। भारतीय वैज्ञानिक गहराई से समझेंगे चांद के बारे में इस कीमती डेटा को यूज करके। इसरो भारत का गौरव।